नागरिकता कानून पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, कहा कानून बनने के बाद लागू करने से मना नहीं कर सकती राज्य सरकारें। सिब्बल के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, सीए की संवैधानिक पहचान शक के दायरे में, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा फाइनल। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीए पर सवाल, जो नीति इंसानियत के आधार पर ना बनाई जाए क्या उसे लागू करना सही है। कर्नाटक के हुबली में अमित शाह ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा साबित करेंगे कि कैसे सीए से छीन जाएगी मुस्लिमों की नागरिकता। सूरत में केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी का विवादित बयान, कहा जिन्हें वंदे मातरम बोलना स्वीकार नहीं उसे देश में रहने का अधिकार नहीं। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ नॉनस्टॉप प्रदर्शन, बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चे शामिल। शाहीन बाग के 13 नंबर रोड को खाली कराने के लिए पुलिस बीच का रास्ता निकालने में जुटे, स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस प्रवीण रंजन और डीसीपी चिन्मय बिस्वाल प्रदर्शनकारियों से मिले। शाहीनबाग की तरह दिल्ली के मुस्तफाबाद में भी मुसलमानों का धरना, महिलाओं ने सीए को बताया काला कानून। लखनऊ के घंटाघर पर भी मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी भी हुई शामिल। लखनऊ पुलिस ने घंटाघर के आसपास मोर्चा संभाले, प्रदर्शनकारियों के कई सामान हटाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुस्लिम महिलाओं का 10 दिनों से प्रदर्शन जारी, सीए एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हल्ला बोल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों का अनूठा विरोध, प्रतीक के तौर पर खुद को किया डिटेंटेंट सेंटर में बंद। नागरिकता कानून के खिलाफ नहीं थम रहा प्रदर्शन, उत्तरी 24 परगना में टीएमसी सांसद नुसरत जहां विरोध मार्च में हुई शामिल। प्रयागराज में माघ मेले में युवा सांसद का आयोजन, सीए एनआरसी पर पक्ष विपक्ष में हुई चर्चा। सुपौल में एनआरसी और सीए के खिलाफ जनसभा, कांग्रेस नेता रंजीत रंजन भी हुई शामिल। सागर में एवीपी के कार्यक्रम में पहुंचे हरी सिंह, गौर विश्वविद्यालय के कुलपति एनएसयूआई ने खुला मोर्चा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज बरेली में 1000 लोगों को करेंगे संबोधित, भविष्य के भारत पर रखेंगे अपनी राय। पीडीपी नेता अल्ताफ बुखारी ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा राज्य में उससे 370 हटाए जाने के बाद से अब तक किसी की मौत नहीं। देशद्रोह के मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल गिरफ्तार, अदालत ने 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को धमकी भरी चिट्ठी भेजने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सांसद बोली ये एक आतंकी साजिश थी। जेएनयू हिंसा पर आज तक स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर, क्राइम ब्रांच के सामने पेशवा एबीवीपी कार्यकर्ता अक्षत अवस्थी। ऑपरेशन जेएनयू से मिले सबूतों और अक्षत के बयान का मिलान कर रहा है क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस ने भेजा था समन। गुड़िया केस के दोनों आरोपियों को कट्टरडूमा कोर्ट ने दोषी करार दिया, सजा पर 30 जनवरी को बहस। निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने के लिए 30 जनवरी को तिहाड़ जेल पहुंचेगा जल्लाद पवन, फिलहाल मेरठ जेल में है तैनात। कानपुर में महिला की हत्या के मामले में 10 गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पकड़े गए 2 आरोपी। सड़क हादसे में घायल शबाना आजमी, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई कार, ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती घायल शबाना आजमी, एक्टर अनिल कपूर और तब्बू मिलने पहुंचे अस्पताल। दिल्ली के पटेल नगर में रेलवे फाटक क्रॉस करते वक्त ट्रेन की चपेट में आई महिला, शिक्षक मौके पर ही मौत। इटावा में आग तापते समय धमाके से सनसनी, एक युवक का हाथ उड़ा, पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम ने की जांच। आतंकियों का मददगार निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह को दिल्ली लाकर होगी पूछताछ, एनआईए टीम श्रीनगर के लिए रवाना। गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच सेना के जवान नेशनल और ओलंपिक की तैयारियों में जुटे, स्की टीम ने की प्रैक्टिस। मंडी में बर्फबारी से पटा जानजेली इलाका, चारों ओर दिखी बर्फी बर्फ। किन्नौर में बर्फबारी से गहराया संकट, 70 से ज्यादा सड़कें बंद, तापमान में भी भारी गिरावट। औली में 3 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी, हर जगह बर्फ की मोटी परत दिखी। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी, अब बर्फीले तूफान का मंडराया संकट। केदारनाथ में भी भारी हिमपात, 10 फीट तक जमी है बर्फ, मौसम साफ होने के बाद भेजे जाएंगे मजदूर। बिलासपुर में कई जगहों पर पड़े ओले, साथ ही तेज बारिश की वजह से जनजीवन ठप। जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशन डेहरा की गली में टूरिस्टों का भरमार, बर्फबारी का उठा रहे आनंद। बागेश्वर में बर्फबारी की वजह से 9 गांवों में बिजली गुल, 4 सड़कें भी बंद। बीकानेर के फायरिंग रेंज में फिर दिखा सेना के जवानों को का कौशल, युद्धाभ्यास में करीब 50,000 सैनिक शामिल। बायकॉन के संस्थापक किरण मजुमदार शॉ को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये सम्मान पाने वाली चौथी भारतीय। वडोदरा में बाइक स्टैंड से जुड़े इवेंट का आयोजन, देसी विदेशी बाइकर्स ने लिया हिस्सा। ब्रिटनौरा में
इलेक्ट्रिकल उत्पादों की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इलेक्ट्रामा का आगाज, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया उद्घाटन। इलेक्ट्रामा 2020 में 120 देशों के 320 विदेशी स्टॉल शामिल, 5 दिनों का है आयोजन। बैटरी बनाने वाली कंपनी ओकाया ने बाहरी दिल्ली के अलीपुर में खोला अपना पहला सर्विस सेंटर, पूरे हफ्ते 24 घंटे मिलेगी सेवाएं। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज दोपहर 1:30 बजे से बेंगलुरु में खेला जाएगा मैच, जीत हमारी टीम बनेगी सीरीज की विजेता। टीम इंडिया सीरीज जीतने के लिए लगाएगी जोर, स्मिथ बोले बेंगलुरु में लेंगे राजकोट का बदला। रोहित शर्मा और शिखर धवन के खेलने पर अब भी सस्पेंस, दोनों को राजकोट में लगेगी चोट। राजकोट वनडे के हीरो रहे केएल राहुल, बोले अलग अलग किरदार में भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से केन रिचर्डसन की जगह जोश हेजलवुड को मिल सकता है मौका, सीरीज में दोनों टीमें फिलहाल 1-1 की बराबरी पर।